हेलो गाइस, दिस इज शुभम दिवाकर। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और आज ये वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का पहला सफ़र होगा और जो पहली उड़ान होगी उसके बारे में बताऊँगा। और यार हालात बड़े नाजुक से हैं लेकिन फिर भी मैं सफ़र कर रहा हूँ। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये प्रिकॉशंस मेरे साथ है, ग्लव्स पहना हूँ, मास्क भी मेरा रेडी है, सैनिटाइज़र जेब में और जस्ट ये रहा सैनिटाइज़र मेरे हाथ में है। सो गाइज, अगर आप भी कहीं सफ़र कर रहे हों, वैसे नहीं करना चाहिए क्योंकि कल जनता कर्फ्यू है, कल 22 तारीख है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपन को कहा है जनता कर्फ्यू लगाने को। बट अगर आप कर रहे हैं सफ़र इन हरी केसेस, सपोज आपको जाना है घर पे और ज़रूरी है, कुछ काम है, काम तो नहीं मगर आपको अपने परिवार के साथ रहना है, तो गाइज इस केस में पूरे प्रिकॉशंस को साथ में रखिए और अपने हेल्थ का ख्याल रखिए और ऐसी चीज़ों से दूर रहिए जो जिनसे कोरोना फैलने का खतरा हो। और अपन अब इस जर्नी की शुरुआत करते हैं, देखेंगे कैसे कैसे क्या होगा। मेरा पहला सफ़र, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरा ज़िंदगी का पहला सफ़र। हे गाइस, दिस इज शुभम दिवाकर और आप देख रहे हैं मेरे चैनल शुभम दिवाकर। वेलकम बैक टू माई चैनल। आप काफ़ी दिनों बाद में मिल रहा हूँ आपसे और आज मैं कहाँ हूँ, मैं हूँ एयरपोर्ट पर। तो ये देखिए नज़ारा। मैं एयरपोर्ट पे क्यों हूँ, मैं हूँ एयरपोर्ट पे, मैं जा रहा हूँ अपने घर फ्रॉम हैदराबाद टू ग्वालियर। और इस सफ़र में क्या खास, इस सफ़र में ये खास है कि ये मेरी ज़िंदगी का पहला सफ़र है, पहली उड़ान है जो मैं यहाँ से लेने वाला हूँ। तो भाई सबसे ज़रूरी चीज़ है एयरपोर्ट पे होने के बाद जो आपको करनी चाहिए वो है आपको अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करना चाहिए। और बोर्डिंग पास कैसे कलेक्ट करते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो गाइस ध्यान से देखिएगा वो सारी स्टेप्स जो मैं करने वाला हूँ, हालांकि ज़्यादा कुछ स्टेप्स नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा अगर आप पहली बार एयरपोर्ट पर सफ़र कर रहे हैं। तो गाइस ये है मशीन, यहाँ पर आप बोर्डिंग पास ले सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको अगर आपकी जो फ्लाइट है उसका क्लिक करना है और आपको अपना PNR नंबर डालना है। सपोज़ मेरा है, कंटिन्यू दबाइए और यहाँ से बोर्डिंग पास निकल आएगा। सो गाइस ये थी एयरपोर्ट पर आने के बाद सबसे पहली स्टेप जो मैंने ली है, बोर्डिंग पास निकालना। सो गाइस आप देख ही चुके होंगे कि बोर्डिंग पास कैसे निकलता है। सो आगे आगे देखिए और क्या क्या होने वाला है। सो गाइस जो भी मैं जो जो चीज़ें आएंगी वो बताऊँगा। और सबसे पहली बात, मैं सफ़र कर रहा हूँ, कोरोना वायरस इतना बढ़ रहा है हर जगह उस स्केरीनेस के साथ। सो गाइस बहुत डर है, बहुत हर जगह माहौल थोड़ा घबराया हुआ है, बहुत कम लोग हैं एयरपोर्ट पर। सो गाइस मैं बताऊँगा, सफ़र भी कर रहा हूँ लेकिन अपने साथ प्रिकॉशन ले रहा हूँ, ग्लव्स चेक, मास्क चेक, सैनिटाइज़र चेक, और जो मेरे जेब में अभी यार बहुत सारी चीज़ें लेके बैठा हूँ हाथ पे इसलिए आपको दिखा नहीं सकता, और मेरे बैग्स चेक। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ, आगे आगे जो जो मैं करूँगा वो मैं बताऊँगा आपको। हेलो गाइस, मैं यहाँ पे बहुत जल्दी आ चुका था और इसलिए काफ़ी वेट करने के बाद मेरी जो नेक्स्ट स्टेप थी वो थी चेकिंग। चेक इन किया मैंने, चेक इन करने के बाद सारे मेरे कपड़े तो नहीं, बेल्ट उतार लिया मेरा और सारी गैजेट्स रखने पड़े मुझे, अपना GoPro, अपना लैपटॉप, अपना चार्जर, सब कुछ, बैग, वॉलेट, मोबाइल, ETC, सब कुछ। सो गाइस ये थी मेरी ज़िंदगी की पहली चेक इन। सो आगे आगे मैं आपको बताता जाऊँगा। सो गाइस अपने पास है अभी 2 घंटे अपनी फ्लाइट को छोड़ने के लिए, तो ओपन बढ़ गया गेट नंबर 107। सो गाइस वी आर गोइंग टू द गेट नंबर 107 और वहाँ से पकड़ेंगे हम अपनी ज़िंदगी की पहली उड़ान। सो गाइस बने रहिए क्योंकि बहुत कुछ इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन आने वाले हैं मेरी इस पहली सफ़र में, पहली एयरप्लेन की सफ़र में। सो गाइस कीप
स्टेइंग ऑन माय ब्लॉग। गाइस एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूँगा कि वो ये बात है कि लोग आ रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, एरोप्लेन से आ रहे हैं। सो गाइस कभी कभार क्या होता है कि हमें भी नहीं पता होता कि हमें कोरोना वायरस है या नहीं। सो गाइस उस केस में ये करना है कि अगर आप एयरपोर्ट पे हो तो आपको ना अगर थोड़ा बुखार है तो लोग घबरा रहे हैं स्क्रीनिंग कराने से कि अगर कोरोना वायरस हो जाएगा ये पकड़ लेंगे, फेंक देंगे जंगल, फेंक देंगे जेल में डाल देंगे। तो गाइस ऐसा नहीं है, अगर आपको पता चलता है जल्द से जल्द तो उसका इलाज भी जल्द से जल्द होगा। तो गाइस स्क्रीनिंग से डरे नहीं, पूरी प्रोसेस पर अपना सहयोग बनाए रखें। तो इससे क्या होगा कि आपका जो कोरोना वायरस होगा उससे भी जल्दी से सही किया जा सकता है और दूसरों में फैलने से रोका जा सकता है। सो गाइस ये मदद सब लोगों को करनी पड़ेगी, एक साथ करनी पड़ेगी। और बाकी तो मैं आपको दिखाऊंगा अपना ब्लॉग। And I know you would say I gave up.